अरे तिवारी जी एक चाय। अरे देव तिवारी जी दो कर देना स्पेशल वाली। हाँ देव मेरा इंटरव्यू था ना आज, क्या हुआ? होना क्या है यार, वही पुराना रिजेक्ट कर दिया। देवेंद्र भाटिया जी सर, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं आपके देवेंद्र। टेल मी वन थिंग, व्हाई शुड वी हायर यू? सर मैं बहुत मेहनत करूँगा सर, आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। आपको इंग्लिश नहीं आती देवेंद्र? नहीं सर। Well, then I'm sorry. You are not fit for this job. You may go now. Sir, मैं बहुत मेहनत करूँगा सर। आप मेरे मार्क्स तो देखिए। सर, मुझे काम भी बहुत अच्छे से आता है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा सर। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर आपको KK International जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। सर, मेरे मार्क्स तो देखिए सर। प्लीज यू मे गो नाउ, यू आर नॉट फिट फॉर KK International। पहले 12-15 साल इतनी मेहनत करो, स्कूल कॉलेज के चक्कर काटो, फिर इनके ऑफिस के चक्कर काटो नौकरी के लिए, फिर जहाँ जाते हो भगा देते हैं। इतने अच्छे नंबर आए, काम भी आता है, लेकिन इस अंग्रेज़ी के चक्कर में कहीं नौकरी नहीं मिलती। अरे मानता हूँ अंग्रेज़ी नहीं आती यार, नहीं पढ़ाया माँ बाप ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो क्या मुझे सपने देखने का हक नहीं है, नौकरी करने का हक नहीं है? क्या बताऊँ माँ बाप को, इंग्लिश ना आने की वजह से बेटा बेरोजगार रह गया। अरे देव यार, ये क्या इंग्लिश का हवा बना रखा है? सेम कॉलेज में पढ़े थे ना हम लोग, आज मुझे देख कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ और अच्छी खासी जॉब है मेरे पास। शायद तुझे पता नहीं है, दिल्ली सरकार ने ना 16 से 35 साल के लोगों के लिए फ्री इंग्लिश लर्निंग कोर्स शुरू किया है, और एक सेंटर तो ये रहा पीछे। सिर्फ 3 महीने में ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश तू बोलेगा ना, फिर देखते हैं तुझे कैसे जॉब नहीं मिलती है। तू चाय पी,